जासु पतित पावन बड़वाना गावहीं कवि श्रुति संथ पुराना। आहा अपूर्व भाव रे आपण माने दर्शन करुछंती श्वेत गंगार दृश्य। श्वेत गंगा ये पंचतीर्थ अपूर्व भाव रे ये क्षेत्र रे रहिछंती एवं ये क्षेत्र रे महात्म्य मध्य ये पंचतीर्थंकु नेइकिरी सुंदर भाव रे श्वेत गंगा पुष्करिणी मध्य रे आपण दीप दांडी देखुछंती एवं से दीप दांडी रो अर्धेक भाग आपणकु दृश्यमान होउछि। सतेज परी एक पात्र रे एक मोती किए थोई देइछि सही परी भाव रे। एवं देखंतु भक्त मान मध्य श्रद्धालु दर्शनार्थी मान मध्य श्वेत गंगा रे किए स्नान करुछंती किए कहार क्रिया कर्मादि संपादन पूर्वक आज ये कार्तिक मासर शुक्लपक्ष द्वादशी तिथि एवं ये पंचुकर आज हूँ द्वितीय दिन। आपण माने सुंदर भाव रे ये पंचुक पंचतीर्थ श्वेतगंगा पुष्करिणी संबंध रे विषय रे आपण माने श्रवण करुथिले मोर अग्रज पंडित श्री सौम्यरंजन पंडा महोदयंकर मधुरवाणी मुखारविंदरु पुंखानुपुंख भाव रे तीर्थमान एवं ये पंचतीर्थ मध्य श्वेतगंगा पुष्करिणी संबंध रे आपण श्रवण करुथिले पुंखानुपुंख भाव रे पंडित महासिंह मुखरु। तो ये जो श्वेतगंगा आपण दर्शन करुछंती ये श्वेतगंगाकर ये क्षेत्र रे अनेक महिमा अनेक महात्म्यमान रही चंती देखंतु अपूर्व भाव रे माँ माने किपरि व्यवस्था मध्य एते सुंदर देखंतु एक सीढ़ी मध्य व्यवस्था होइछि पावच्छत अछि काल काल रु जुग जुग रु एवं तत् सहित जेहेतु टिके खालुआ अति गभीर से स्थान से निम्ते धरिकी जावाई सुरक्षा सुरक्षा निमित्त एक बाड़र मध्य व्यवस्था सेठी रही एवं आमर भक्त माने दर्शनार्थी माने धीरे धीरे से पावच्छ दे तलुकु ओल्हौछंती गोटे गोटे एवं आर पटे देखु आउ गोटे पटे माँ माने सुंदर भाव में आउ गोटे पटे पहाच चढ़ी ऊपर को आसुछंती प्रस्थान करुछंती। तो ये जो श्वेत गंगा पुष्करिणी एठारे आमर विशेष रूप से पिंडदान श्राद्ध अस्थि विसर्जन इत्यादि कर्म अर्पण एवं आमर दशाह क्रिया इत्यादि ये सब कर्म संपादित होई थाए एवं ये श्वेत गंगा संबंध में तो आप श्रवण करुले आज जे ये श्वेत गंगा जे ये क्षेत्र को पावन करुछंती एवं कहुथिले आउ टिके पूर्वर पंडित महाशय यांको ना श्वेत गंगा एथिपाई हेला जे एमिती समय स्वतंत्र समय रे निर्दिष्ट काल रे ये जलराशि संपूर्ण भाव रे श्वेत हो जांती पूरी वासिंदा मान मध्य देखंती हा मध्य अनादि काल रु प्रमाण रहिची ए कथा जे इपरि भाव रे लोकमुख रे को आहा हा पूर्व भाव रे ठाकुर दिसिलेनी दियो देखा गले सुंदर मुख प्रभु आपणंकर रंगाधर चका चका आखि अपूर्व भाव रे भक्त तो या को देखिया को आसीची प्रभु आपण किए आपण कौन ये अखिलांड कोटि ब्रह्मांडर नायक किए कहे आपण को किए कहे होउछंदि आपण ये चतुर्दश ब्रह्मांडर विष्णु पालक प्रभु किए कहे आपण को काली किए कहे आपण को तारा किए कहे आपण को दुर्गा किए कहे पुरुष किए कहे नारी किए केते कौन कहे प्रभु आउ जिए जमिति कहे जिए जमिति भावे जो यथा मांग प्रपद्यंते तांग तथैव भजाम्यहम् प्रभु आपण को जिए जमिति भजन करी जिए जमिति चाहे जिए जमिति चाहिचि आहा देखंतु गोटिए एपट पार्श्वरे ये तीन जन देवता आपण दर्शन करुछंती ये होउछंती त्रिनाथ एवं आउ गोटिए पार्श्वरे पतित पावन ठाकुर। तो पतित पावन आपण बाहर रही भितरे जगन्नाथ रही केते लीला आपणकर प्रभु तो आपण होउछंती किए किए कहे प्रभु देवता किए कहे काष्ट पाषाण किए केते कथा कहंती किंतु प्रभु ये जेतक आपण को दर्शन करने आसुचंती जिते भक्त जिते श्रद्धालु ये कौन समस्त मनुष्य रूप से ये कौन समस्त मनुष्य
ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆପଣ ଯଦି କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ କାଷ୍ଠ ପ୍ରତିମା ତାହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, କି ଆକର୍ଷଣ ରଖିଛ, କି ରଙ୍ଗ ରଖିଛ ହେ ରଙ୍ଗ ନାୟକ? ପ୍ରଭୁ କି ଯାଦୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ସାରା ଜଗତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ, ସାରା ଜଗତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଆକୁଳ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କି ଯାଦୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ତେଣୁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରବ୍ରହ୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ କେତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭକ୍ତ ଆଜି ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି, ତା ପ୍ରଭୁକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ, ତା ପ୍ରଭୁକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଦାନ ଧର୍ମ ବ୍ରତ କରି ଆରାଧନା ଉପାସନା ପୂର୍ବକ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ଯିବ। ମହାପୁଣ୍ୟ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷମାନ ପୁଷ୍ପବୃକ୍ଷମାନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେହି ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି କିଛି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ସେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ, କ'ଣ ନା ଶତକୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ମଣିମାନ୍ଦେ ମଣିମା, ଏପରି ମଣିମା ଡାକ ଦେବାବେଳେ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼େ ଗୋଟିଏ କଥା, ଶତକୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ। ଶହେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେ ଅଚରାଚର ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଂ ରହସ୍ୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟଂ ଦେବାଃ ନ ଜାନନ୍ତି କୃତଃ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇ ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଅପୂର୍ବ ଜଳ ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କିରଣମାଳା ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ସେ ଦୀପଦାଣ୍ଡି ଉପରେ ଶୀର୍ଷଦେଶରେ ଏକ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଇଏ କୀଟ ଠାରୁ ହସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ ଜଳଚର ଥଲଚର ନଭଚର ନା ନା ଯେତେ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଯିଏ ପଶୁ ଜନ୍ମ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, କିଏ ପକ୍ଷୀ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, କିଏ କୀଟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠିକା କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ଭାଗ୍ୟ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ସେଇ ଶରୀର ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଆମର ହେଉଛି ଅହୋଭାଗ୍ୟ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶରେ କାଳିଆ ସାମନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତି ଆଜି ହେଉଛି ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ଉତ୍ଥାପନ। ଗରୁଡ଼ ଉତ୍ଥାପନ କ'ଣ, କାଲି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ଥିଲା ହରି ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ, ଠାକୁର ଭାରି ରସିକିଆ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ସବ। ଆମ ଘରେ ଆମମାନଙ୍କର ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ଆହା ଅପୂର୍ବ ଚକ୍ରରାଜ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନୀଳଚକ୍ର ଏବଂ ନେତ ପୀତ ବସ୍ତ୍ରର ଏକ ବାନା ପତାକାଟିଏ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପତିତ ପାବନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଦୀପଟିଏ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତମାନ ପ୍ରଜ୍ୱଳମାନ ହୋଇ ପତିତ ପାବନ ଠାକୁର ତଡ଼ପ ଉତ୍ତରୀ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ତଡ଼ପ ଉତ୍ତରୀ, ଏହି ତଡ଼ପ ଉତ୍ତରୀ ଅବକାଶ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗାର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ।
यही गंगा जो गंगा आमर लोक मुखर एक सुंदर कथाटे रही जे गंगा माता आमर जो गंगा श्वेत गंगा पाखरे जो गंगा माता मठ मध्य स्वतंत्र भाव रही से मठरे आप देखिए एक सुंदर भाव आमर एक सुड़ंग मध्य गुप्त सुड़ंग मध्य रही हाँ हाँ सिंहद्वार सम्मुखर अपूर्व दृश्य श्रीवत्स खंडशाला प्रासादर रमणीय दृश्य नजारा आप दर्शन करुछंती कि सुंदर लगुच देखु आह बड़दाण्ड आज भक्त मान समस्ते गोटे कथा गोटे वस्तु देखापे महाप्रभु को महाप्रभुंर कथा को महाप्रभुंर गाथा को महाप्रभुंर लीला को महाप्रभु तो उठिले काली उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज महाप्रभु काली निद्रा उठिचंती काली थिला हरि उत्थापन एकादशी किंतु आज होची गरुड़ उत्थापन द्वादशी आपण जानिथिबे महाप्रभु जो दिन शयन करती आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी रे हरि शयन एकादशी रे प्रभु सदिन शयन करी थांती एवं तांगर गोटिए दिन परे बाहन क्षिप्र पक्षीराज गरुड़ सीए शयन करु यर्ष जो समय मलमास पड़े टिके ये व्यतिक्रम देखा मिली थाए आहा चक्रराज नीलचक्र पतित पावन बाना अपूर्व भाव में अंला बेढ़ा एवं सुंदर भाव में श्रीमंदिर से ही शिखर को आप दर्शन एवं देखु पक्षी मान कि सुंदर भाव में उड़ुंच चतुपार्श्व आहा प्रभु आपण हूँ ये सचराचर कोटि ब्रह्मांडर मालिक सर्वेश्वर सर्वनियामक सर्वकारण साक्षी स्वरूप प्रभु तेणु आपण को केवल ये मनुष्य कौन दर्शन करेंगे देवता माने मध्य पक्षी रूप से देखु आज आसी महाप्रभुंर ये प्रसाद को परिक्रमा करीलचक्र को आप देखिए एवं ये क्षेत्र महिमा एत स्वतंत्र कौन बा वर्णना करवा तेणु आज प्रभुंर हूँ बांकचूड़ा बेश आज कालिया ठाकुर कला ठाकुर बांकचूड़ा बेश रे प्रभु दर्शन देवे ये बांकचूड़ा बेश कौन ना आम सुंदर भाव आप देखिए महाप्रभु काली लक्ष्मीनारायण बेश रे दर्शन दे ये मास कार्तिक मास रे राय दामोदर बेश अनेक दिन धरी दीर्घ दिन धरी महाप्रभु दर्शन दे थांती ये बेश रे किंतु ये जो पंचुक पांच दिन ये पंचुक पांच दिन रे महाप्रभु स्वतंत्र भाव रे पांचटी बेसरे प्रभु दर्शन दे थांती आज जो पवित्र कार्तिक मासर पंचुकर द्वितीय दिन रे आज शुक्ल गरुड़ उत्थापन द्वादशी तिथि रे महाप्रभु बांकचूड़ा बेश एवं ये बेशटा को बामन बेश मध्य आमर कुहा जाए जे एक आमर पुराण प्रमाण मिले ये जो बांकचूड़ा बेश ये अक्रूर मथुरा ने आसी बेले प्रभु कृष्ण तांकु बेशरे दर्शन दे थे जो अक्रूर दर्शन करने आसते महाप्रभु को सेते प्रथम यही बेशरे प्रभु को दर्शन करते बेशरे चंद्रिका चूल सहित दक्षिण पट को आड़ खोसा पड़े यही बेशरे विशेषत्व हला यहा श्रीजू मान को सामान्य गेड़ा बा बामन भली दृश्य कराए तेणु चूड़ा दक्षिण दिगकु बंका थिवारु बांक चूड़ा बेश ओ सामान्य गेड़ा दुसु थिवारु बामन बेश मध्य यही बेश को कुहा जाए अपूर्व बेश प्रभुंकर बेश गुड़ा को जे दर्शन करिछि से सब किछि दर्शन कर दिछि आ प्रभुंकर जे बेश देखिनी ताहले से किछि देखिनी तो आज ये जो बांकचूड़ा बेश ये पंचुकर द्वितीय दिन आमर महाप्रभु एवं गरुड़ उत्थापन नीति मध्य सुंदर भाव श्रीमंदिर आज पालित होता गरुड़ उत्थापन नीति आमर संध्या समय अनुष्ठित हुए महाप्रभुंर ये गरुड़ उत्थापन जो नीति आमर सुंदर भाव
संध्या धूप सरी जवा परे पूर्वरु महाप्रभु बाड़े जो लागी होइथुआ माळो आज्ञा माळो से माळरु आज्ञा माळ पाई श्री महाप्रभुंकर चलंती विग्रह मदन मोहन मदन सुंदर महाप्रभु शरत रास पाई जाइथांती जगमोहन रे जेतेबेला आसंती शरत रास पाई हेटि खट सेज को विजय होंती सेठारे टिके मदन मोहन वंदापना होई तापर दक्षिण घर को से विजय होइथांती मदन मोहन तापर गरुड़ उत्थापन नीति अनुष्ठित होइथाय चुनरा सेवक मानंक द्वारा गरुड़ मैलम होई पत्रीवड़ सेवकों द्वारा पूजा ठा हो महास्नान होई परे बेश होई पंचोपचार शीतल भोग समापन अंते पूजापंडा सामंत द्वारा गरुड़ को बंदापना करा जाए था ये होची आज गरुड़ उत्थापन नीति यहपर भाव में आपण यदि श्रीमंदिर को आसवे निश्चित भाव में आपण दर्शन करिवे एवं ये जो बांकचूड़ा बेश ये बेसर मध्य आपण देखिए स्वतंत्रता रही कहीं ना ये पुराण रे एक सुंदर प्रसंग शुणा को मिले आमर द्वापर युगरे जोबले कंस प्रेरित करुछंती अक्रूर को गोपपुर को जाई कृष्ण को आणवापी जोबले अक्रूर जाइछंती आणवा उद्देश्य रे भगवान को यही समय रे से दुग्ध दोहन करुथिले प्रभु यही समय रे कृष्ण को केश फिटि जिवारु क्षीर हाथ मुंडरे बांधिथिले एवं क्षीर हाथ प्रभु से क्षीर दोहन करुथिले ना गो दहन करुथिले सेही समय रे महाप्रभुंकर केशटा फिटि जाइछि जेहेतु गाई दुहुछंती प्रभु ठाकुर से समय रे नियंत्रण केशरे महाप्रभुंकर तो सुंदर रमणीय केश ना सिरे बांक चूल प्रभु तो से केश फिटि जाइथिला प्रभुंकर एवं प्रभु जेहेतु गाई दुहुथिले क्षीर दोहन करुथिले से समय रे से क्षीर हाथ मुंडे रे न मारी प्रभु कौन कले चतुर्भुज रूप रे सेठी चतुर्भुज रूप आउ दुईटी हाथ बाहर एपटे दि हाथ रे क्षीर दुहुछंती आउ दुई गोटी हाथ पश्चात भाग रु ठाकुरंकर बाहरिला एवं बाहरी से केश को बांधिथिले प्रभु से जो रूप से जो बेश मुग्ध बेश मुरारे तेणु महाप्रभुंकर यही बेश को अक्रूर आमर दर्शन करथिले सुंदर भाव रे भागवत रे प्रमाण मिले अनेक पुराण हरिवंश नानादि प्रकार ग्रंथमानंकर कथा देखिबाक मिलंती अक्रूरंकर ये अपूर्व प्रसंग प्रभुंकर बांकचूड़ा बेश दर्शन सुंदर जी सुंदर को गढ़ी जी सुंदर को तैयारी कलावाला तांको प्रासाद केते सुंदर तांकर नगर केते सुंदर आमे कौन वर्णना करिबा केउ शब्द दबा केउ उपमारे आमे अलंकृत करिबा महाप्रभुंकर ये क्षेत्रर महिमा को तेणु से अक्रूर जतेबेले दर्शन करिछंति महाप्रभुंकर से बांकचूड़ा बेश को गदगद हो जाइछंति प्रभु आपणंकर कि अपूर्व रूप प्रभु जेतेबेले कृष्ण गोपपुरे थिले अक्रूर आणीण गला तो गाई दुहु दुहु केश फिटि गला चतुर्भुज हेले अनंत तेणु सेठी प्रभु जेतेबेले गाई दोहन करुछंती गो दहन करुथिले से समय केश फिटि जाइथिला एवं चतुर्भुज नारायण आउ दुईटी हाथ में महाप्रभु तांकर केश को बांधि देइथिले एही रूप को अक्रूर दर्शन करथिले कि भाग्य तेणु से प्रभु नारायण भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर आज होउछि बांकचूड़ा बेश ये बेश एक स्वतंत्र बेश ये बेशरे कौन नीति केतेबेले होइथाए बांकचूड़ा बेश एवं केतेबेले सरिथाए ये बांकचूड़ा बेश महाप्रभुंकर आमर प्रातकाल रु तीन बाड़े आहा देखु पक्षी माने किपरी परिक्रमा करुछंती देखु आपण निजस्व चक्षुरे
आपण तो देखुंट जय जगन्नाथ टीवी चैनल माध्यम अति सुंदर भाव प्रभुंकर समस्त कथा गाथा को कीर्ति को भजन माध्यम प्रवचन माध्यम ओडिशार सुनामधन्य गायिका नमिता गुरल मैम कंठरु अपूर्व भजन सब श्रवण कर पक्षी मान किपरी एकाग्र चित्तरे परिक्रमा करुछंती प्रभु जानिकानि च पापानि जन्म जन्मांतराणि च प्रभु मोर जन्म जन्मांतरर पाप को आपण नष्ट करी मते ये पक्षी जन्मर उद्धार कर ठाकुर एपरि भाव स्तुति करुछंती देखंतु एवं आज जो गरुड़ उत्थापन द्वादशी आज दिन में महाप्रभु जो बांकचूड़ा बेश होता है श्रीमंदिर तीन बाड़े जितेबले अवकाश सरी जाए से तड़प उत्तरी मैलम हो तड़प उत्तरी उलागी होई बांकचूड़ा बेश श्रृंगार महाप्रभु को बेश हो दि येष केतक सुवर्ण अलंकार मान लग यथा से गुड़िकमर त्रिशाखा चंद्र सूर्य तिलक तड़की आमर कर्णकुंडल श्रीभुज हल मुसल चक्र शंख रूपार शंख रौप्य शंख अलका कदमी हरिरामाली बाहाड़ामाली ताबिजमाली बाघनखीमाली सेवतीमाली ओडियाणी बांकचूल स्वर्णकिया श्रीपयर यही बेसरे यू अलंकार मान लग जाए महाप्रभु एवं आपण देखिए ये जो बेश येषर महात्म्य स्वतंत्र कारण जेहेतु अक्रूर एकमात्र ये बेश को दर्शन करते द्वापर युगरे एवं एकांतर दर्शन करते अक्रूर छड़ा आउ से कहीं नथिले सी ही दर्शन करते प्रभु केवल अक्रूर अक्रूर भावी जे मनुष्य बोली परब्रह्म को चिन्ह पारे ये बेश देखी सेतेबेले अक्रूर गदगद हो जाते प्रभु को जापारी अक्रूर एवं महाप्रभुंर यपरि भाव श्रीमंदिर श्रीजीव मानकर बांकचूड़ा बेश अनुष्ठित हुए एवं यही बेश महाप्रभु टिके गेड़ा देखा जाते से निम्ते येष को बामन बेश बोली कहुए एवं यही बेश दर्शन रे अशेष विशेष पुण्यफल प्राप्त होता है एवं गरुड़ पक्षीराज गरुड़ आज पक्षीराज गरुड़ उठवा दिन कारण प्रभु गोटे दिन सोईवा परे प्रभुंकर पक्षीराज गरुड़ शयन करथिले द्वादशी प्रभु एकादशी शयन करथिबारु प्रभु काली गत काली एकादशी प्रभु जाग्रत होइछन्त एवं गरुड़ जे प्रभुंकर वाहन तांकर होची आज जाग्रत दिन आज गरुड़ उठिबे गरुड़ उत्थापन द्वादशी पवित्र ये कार्तिक मास शुक्ल पक्ष ये आज द्वितीय दिन पंचुकर द्वादशी तिथि आज गरुड़ उत्थापन द्वादशी एवं ये जो गरुड़ उत्थापन द्वादशी ये कार्तिक शुक्ल एकादशी दिन श्रीमंदिर गरुड़ उत्थापन नीति द्वादशी दिन पालित होता है यही उपलक्षे कौन श्रीमंदिर आमर संध्या धूप सरी जा गरुड़ स्वतंत्र किसी नीति थाए आमर संध्या धूप जो सरी जाए संध्या समय रे आमर गरुड़ विग्रह पंचामृत स्नान और नूतन वस्त्र रे भूषित करा जाए तत्पर पुष्पमाल्य रे विमंडित पूर्वक शीतल भोग और आलती बंदापना इत्यादि नीति पूजा पंडा सेवकों द्वारा आमर करा जाए था एवं शयन ठाकुर नीति भली गरुड़ मध्य उत्थापन नीति उपलक्षे आलती वंदापना शीतल भोग इत्यादि सब अनुष्ठित होता है जपरि प्रभुंर हुए सेपरि गरुड़ शयन करी थांदी
यपरी प्रभु को सेवा करा जाए सेपरी गरुड़ मध्य आज सुंदर भाव पंचामृत माजणा हो आम नूतन वस्त्र लगे होता गरुड़ एवं आमर नानाविध सुगंधित पुष्पमाल्य सुमंडित करा जाए अक्षिराज गरुड़ शीतल भोग बंदापना करा जाए था। युची गरुड़ उत्थापन आज दिन रे अक्षिराज गरुड़ उठिबे एवं प्रभु मध्य शयन करथिले आज गरुड़ मध्य शयन करथिले आज मध्य जाग्रत हेबे ये तो प्रभुंकर लीला ये तो प्रभुंकर यात्रा ये प्रासाद श्रीवत्स खंडशाला प्रासाद बसी काल काल रु लीला करुछंती कालिया ठाकुर अपन आउ गोटे दृश्य आपन एटी देखिबे मु कहुथिलि पक्षी मानंगर परिक्रमार कथा देखंतु वास्तव में ये क्षेत्र को आप आसवे ये क्षेत्र में अनेक आश्चर्यमान सब रही से एत आश्चर्यचकित कथा आपने देखिए जे ये क्षेत्र में देखु पक्षी मैंने से परिक्रमा करवत नीलचक्र चतुपार्श्व एवं ये जो किसी देवता मान आमर किए पशु पक्षी रूप से किए मनुष्य रूप से एम आसी क्षेत्र को यार प्रमाण स्पष्ट प्रमाण आमर साक्षी स्वरूप रही अच्छा आमर भगवती चर्चिका ठाकुराणी भीतरच्छ महापत्र घरे आसवार कथा एवं आमर विभीषण महाप्रभु को दर्शन कर आसवा कथा कला मल्लिफुल जहाँकि केवल लंकार प्राप्त होता है से कथा मध्य किछि कालरु प्रमाण रही विभीषण आठजोशी महापत्र को कंकण प्रदान करिवार कथा मध्य ये लोकमुखर मध्य एक सुंदर कथा रही तो एवं ये स्वर्गद्वार आपण मैंने जानुछंती क्षेत्र रे ये मध्य देवराज इंद्र आस्थले प्रभु को दर्शन करने मेघमालिया सुवाररु से दीनबंधु सुवाररु मेघमालिया सुवार नाम से सुवार परिचित हेले जाकि स्वर्गद्वार वर्तमान अद्यावधि जोठारे से एक दंड बाउंशटे पोती जहाँकि परवर्ती काल रे राजांकर आदेश क्रमे स्वर्गद्वार बोली राजा जापारी थे इंद्रंकर सेटा जीवा आसवा स्थान बाट से हीपटे स्वर्ग को जाती इंद्र एवं आसती ये क्षेत्र रे अवतरण करती ऐरावत हस्ती रे एवं महाप्रभु को दर्शन करती महाप्रसाद खाई श्वेत गंगारे हाथ धोई पाद धोई जाती से मार्ग दे महोदधि तीर्थराज महोदधि स्नान कर स्वर्ग को देवराज इंद्र जाती बोली आम एक विश्वास रही जो कथा निश्चित भाव ए प्रमाण मिले जे देवता माने मध्य किए मनुष्य रूप से एवं किए पशुपक्षी रूप में प्रभु को दर्शन करने आसी जुग जुगर काल काल रु महाप्रभु बलियार भुज ठाकुर एटी भक्त मान सहित लीला तो करसुंच लीला तो अपरंपार लीला प्रभुंकर किंतु मनुष्य मान तो देवता रूप किंतु किसी देवादेवी मध्य पशुपक्षी रूप से आमर मंदिर भितर मध्य रही आपण देखिए जो बड़े भोग महाप्रभुंकर भोग किसी मारा हो जाए किसी अघटन घटी जाए रोषशाला हो किंबा भोग नेबा समय रे किंबा भोग ठा हो सारे किसी गोटे अघटन घटी जाए ए समय रे मध्य जदि भोग मारा हो जाए कहीं जापारी ना से कथा को जणीबा पाई मध्य कुताम चंडी बेढ़ा भितर रही सुंदर भाव कुताम चंडी भगवती कुताम चंडी ठाकुराणी मंदिर मध्य बेढ़ा भितर रही कल्पवट पाखरे मुक्ति मंडप पाखरे आपण देखिबे दर्शन करथिबे एवं से कुताम चंडी कौन करती ना जितेबले भोग मारा ही जाए अशुद्ध ही जाए किछि अघटन घटी जाए किछि किए लघु शंका गुरु शंका अकस्मात आसी जाए
महाप्रभु देवल भितर तबे निश्चित भाव से भोग आ महाप्रभु को अर्पण करिया योग्य से रुहे ना अयोग्य ही जाए तेणु से भगवान सब कौन हुए ना भूमि रे पाताली करा जाए पोता जाए तो जदि अज्ञात वशतः केत से भोगटी अशुद्ध हो जा पूजा पाई योग्य हो कि ना योग्य प्रजोज्य नुह तबे से भोग को त्याग कर दि जाए पोती दि जाए एवं से ही कथा को जनई था भगवती कुताम चंडी एक कुकुर रूप से एक स्वान रूप से सी मंदिर भितर बुलिकी टे पल दर्शन देकर कुकुर पशिगला भोग मारा यपरी भाव लोक कथा रही एबेकार मनीष कि पुरुखा लोक वृद्ध लोक ये क्षेत्र से कहते भगवती कुताम चंडी कथा जे से देखी एक कुकुर श्रीमंदिर भितर श्वान को देखिं आह प्रभु आपणकर लीला आपणकर कथा आपणकर गाथा अवर्णनीय अनिर्वचनीय प्रभु गोटे पार्श्वरे स्थिर धीर मंदर गति रे चक्रराज सुदर्शन को संलग्न हो एक बांश दंड साहाज्य रे पतित पावन नेत स्थिर धीर मंदर भाव देखते किपर भाव प्रवाह होती वायुर से उड़ुंट आकाश रे आहा प्रभु से नील आकाश रे नील चक्र रे नील कंदर रे नीलाद्री रे नीलाचल रे प्रभु ये नीलाद्रीनाथंकर अद्भुतमय लीला दर्शन करने निमंत भक्त माने पटे व्याकु भक्त मानक मन भितर गोटे कथा आम केतबेले जाइकिरे टिके प्रभु को दर्शन करिवु जेतबेले धाड़ी आसुछंती अरुण स्तंभ दे प्रवेश करुछंती भितर तांग मनरे गोटे कथा देखंतु ये मंदिर भितर महाप्रभु पाखरे एमिति एक आकर्षण रही ये प्रभु को देखिबा पई केते कुआडू केते लोक हजार हजार लोक दर्शन करिबा पई अवलोकन करिबा पई आसुछंती एवं आपण परीक्षा करंतु आपण भाबिबे मु हां मु दर्शन जाइकिरी करदेवी मो इच्छा जेते बेले चाहिबे दर्शन करदेवी आपण सेटा पारिबे नाही तांकर कृपा न होले तांकर डोरी न लागिले सुंदर लोक कथाटी अछि दूर दूरांतर जो भक्त मान आसंती ई अरुणस्तंभ पाखरे कथा हला बेले कुहंती जे कालियार डोरी लागिला बोली आमे आज आसी पारिलु ता डोरी न लागिथला आमे बा किए निमित्त मात्र आमे करी कराऊ थाए से ही गोविंद आबिनु अन्य गति नाही गोविंद तेणु सबकि तेणु तांकर डोरी न हेले तांकर आज्ञा न हेले तांकर बिना इच्छा रे केही केबे तांकु दर्शन करिबारियो नाही यहा ही ध्रुव सत्य एवं आउ गोटे कथा आपण देखंतु ये महा ये जगत रे केते लोक अछंती समस्त कोन महाप्रभु को दर्शन करिबारुछंती ना समस्ते करि पारना ये गोटे तत्वभित्तिक कथा एवं देखंतु समस्ते मध्य अछंती किंतु महाप्रभु को जो सेवक माने से मानंगर मध्य जन्म जन्मांतर प्रभु सहित प्रीति स्नेह भाव संपर्क ये जुग जुगर रही आने चारि जुगरे प्रभु सहित अच्छा केड़ बड़ मालिकर सेवा करेणु निश्चित भाव तेणु से शास्त्र कहले सर्वं रहस्यं पुरुषोत्तमस्यं देवाह न जानन्ति कृतः मनुष्य से भाव महाप्रभु आज बांकचूड़ा बेश प्रभु भक्त मान दर्शन देवे एवं ये जो बांकचूड़ा बेश ये महाप्रभुंर यही पंचुकर द्वितीय दिन रे प्रभु ये बेश दर्शन दे था एवं ये जो पंचुक ये जो बेश हो महाप्रभु ये पंचुक बेश मान भितर आमर सुंदर भाव आकर्षणीय मनोरम बेश अनुष्ठित होता है पांच दिन रे
तर मध्यरे आमर काली आपण माने दर्शन करछन्ति लक्ष्मी नारायण बा ठिया किया बेश एवं आज शुक्ल द्वादशी रे बांक चुड़ा बेश प्रभुंकर एवं तृतीय दिन पंचुगर त्रयोदशी रे आमर कौन ना त्रिविक्रम बेश प्रभु होइथांति चतुर्दशी रे लक्ष्मी नरसिंह बेश एवं कार्तिक पूर्णिमा रे राजराजेश्वर बेश रे प्रभु सुना बेश रे बड़ तड़ाऊ बेश रे प्रभु भक्तमानंकु दर्शन देइथांति एवं ये जो बेश कथा आपण सुनिले एई बेशरे ही महाप्रभुंकर बेश थाई ठाकुर मानंकर गोपाल बल्लभ सकाळ धूप बाळ धूप एवं केतक बेशरे भोगमंडप इत्यादि नीति मध्य होई थाए एही बेशरे सुनार श्रीभुज सुवर्ण किरीट श्रीपयर कदम्बमाळी हरिडामाळी ताबिचमाळी बाघनखीमाळी सेवतीमाळी हळ मुसळ चक्र शंख अळका ओडियाणी चंद्र सूर्य तिलक घागड़ामाळी कुंडल तड़गी टोपार टोपर स्वर्ण किया ये सब अलंकार मान स्वर्ण अलंकार प्रभु मान सब आभूषित होती एपरिकी आमर सुनार किरीटर पछ पार्श्वरे सुनार किया मध्य खंजा जाए खंजा जाए प्राय 54 गोटी किया सेपरी बांकचूड़ बेशरे श्री बलभद्र महाप्रभुंकर श्री मस्तक चंद्रिका चूड़ दक्षिण दिगकु आड़ खोसा पड़े ये जो बांकचूड़ा बेशरे एवं यही बेशरे महाप्रभु टिके आपण देखिबे तबे दर्शन करिबे निश्चित भावरे आपण को लागिबो मध्य महाप्रभु टिके गेड़ा देखा जाइथांती ए बेशरे बामन परिदृश्यमान होइथाम एवं अग्रगंठी रे महाप्रभुंकर जो आड़ खोसा पड़ी थाए से आड़ खोसार अग्रगंठी रे एक सुवर्ण किया मध्य खंजा जाई थाए ए तद व्यतीत एकादशी बेश परी स्वर्ण अलंकार मान लागी ए बेशरे सब करा जाई थाए महाप्रभुंकु तो सकाल कथा आपण माने तो शुणुंट देखुं प्रत्येक दिन प्रति मुहूर्त अहरनिशी मुहुर् मुहु जत जय जगन्नाथ टीवी लगेले सेते बेले जगन्नाथों कथा जगन्नाथों गाथा जगन्नाथों भक्तों कथा महाप्रभुंकर मंदिर श्री वत्सखंडशाला प्रासाद दर्शन सिंहद्वार सन्मुखर अरुणस्तंभ दर्शन मंगलारती ठारु पहुड़ पर्यंत पतित पावन अपूर्व दर्शन अति सुलभ भाव करुछंति ये दुर्लभ दृश्य को अहो भाग्य अहो भाग्य अहो भाग्य आज गरुड़ उत्थापन आज गरुड़ महाराज आज नीति स्वतंत्र भाव रही आमर संध्या धूप परे मदन मोहन जितेबले शरत रास पाई आमर जगमोहन जितेबले खटसेज उपरको विजय हेबे जगमोहन सेठी मदन मोहन बंधापना हुई मदन मोहन से शरत रास नीति सरिया परे दक्षिणी घर को विजय हूँ महाप्रभु ठार् आज्ञामाला पाई आसी था शरत रास को ये सब कथा परे गरुड़ंकर उत्थापन नीति अनुष्ठित होता है गरुड़ महाराज सुंदर भाव आम पंचामृत गरुड़ को उत्थापन करी पंचामृत माजणा हई नूतन वस्त्र लागी हुई सुंदर भाव सुगंधित पुष्प द्वारा गरुड़ को मंडित करा जाए भोग नानाविध शीतल भोग करा जाए पूजापंडा सामंत द्वारा बंदा गरुड़ को बंदापना करा जाए था तेणु यह एक स्वतंत्र नीति जेपरी प्रभुंकर हरि उत्थापन काली होती सेपरी गरुड़ उत्थापन नीति मध्य सेपरी भाव में श्रीमंदिर अनुष्ठित हुए एवं आज हूँ स्वतंत्र भाव में प्रभुंकर बांक चूड़ावेश माँ माने हविष्य व्रती माँ माने सुंदर भाव में देखु राई दामोदर व्रत पूजा पंचुक व्रत पूजा करुंट ये कथावस्तु यहीपरी भाव में जारी रही थ जय जगन्नाथ टीवी रे सुंदर भाव में आपण मैने शुणुवे आपण मैने देखु कहीं कुआडे जातुनि जी जो बसी ढाई जदि जय जगन्नाथ टीवी देखुं से हाथ को जोड़ी दिंतु ये देखु भक्त मैंने हाथ जपरी उपर को टेकुं सेमती उपर को हाथ टेकि ऊर्धबाहु प्रभु को प्रणाम कर दिंतु प्रभु संसार सुखी करंतु विश्वर मंगल करंतु जय जय जगन्नाथ। वर्तमान आम आम कथावस्तु को इठी विराम दे आम सहित अच्छा पंडित मोर अग्रज भजराम शतपथी महोदय आप
पंडित महाशंकर मुखारविंदर आम श्रवण करवा निश्चित भाव सुंदर भाव महाप्रभुं कथा महाप्रभुं गाथा